यति सन्यासियों द्वारा एक धर्म ध्वजा के वाहक संत और अपने गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरिजी महाराज की सुरक्षा को लेकर जेड प्लस सुरक्षा की मांग को लेकर हर की पौड़ी हरिद्वार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के लिए निकली। पदयात्रा का बाल योगी ज्ञान नाथ जी महाराज ने ऊना से पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में हुई हिंदू संतों तथा हिंदुत्व के लिए आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता, चाहे वो जूना अखाड़े के बड़े संत हो या कमलेश तिवारी जैसे बड़े हिंदुत्व के प्रचारक हो या गोगा मैडी जैसे सामाजिक नेता, की हत्याएं और उस पर आवाज न उठाना और उनके दोषियों को न्याय न मिलना देश में सनातन धर्म के अनुयायी के भविष्य के लिए चिंताजनक है। इस सब का मूलतः एक ही कारण था कि सरकार द्वारा मांग करने पर भी उनको उचित सुरक्षा नहीं दी गई, और जो अब यही सब महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के साथ होने जा रहा है। भारत सरकार की उदासीनता के कारण महामंडलेश्वर जी पर इतने आक्रमण होने के बाद तथा इस्लाम के आतंकवादियों के सबसे बड़े संगठन ISIS तथा अन्य सभी इस्लामिक संगठनों के निशाने पर होने के बावजूद भी गृह मंत्रालय द्वारा उनको कोई उचित सुरक्षा नहीं देना चिंता का विषय है। इससे हम सब संतों में भय और क्रोध है। इसलिए जैसे ही यति सन्यासियों की यात्रा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचेगी, उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश से सैकड़ों लोगों को साथ लेकर हम भी गृह मंत्री के आवास पर पहुंचेंगे और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरिजी महाराज को जेड प्लस सुरक्षा मिलने तक आमरण अनशन करेंगे। कमलेश तिवारी न समझा जाए, मालेगांव के संत न समझा जाए, जगोगा मैडी न समझा जाए, उनकी सिक्योरिटी हटा के उनके कत्ल होने पे जो लोग खामोश रहे हैं वो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर हमारे गुरुजी को कुछ हुआ तो वो एक भारत में गृह युद्ध की औपचारिक घोषणा होगी और उसका जो कलंक है वो वर्तमान सत्ताधारियों पे पड़ेगा, जो वर्तमान आज की हमारी राष्ट्रवादी सरकार है, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार बोलती है, उनके ऊपर पड़ेगा। जैसे कमलेश तिवारी जी के पास पिछली सरकार में 27 गवर्नर थे, इनके आते ही सारे गवर्नर निकाल दिए गए, एक गवर्नर रखा गया और वो भी कोई काम का नहीं था, उसके घर में घुस के उसकी हत्या हो गई। आज यहाँ उन्ना में प्रेस वार्ता है, मेरे साथ स्वामी जी हैं, यति सत्य देवानंद सरस्वती जी, शिष्य महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज और स्वामी श्याम चेतन जी। हम आज यहाँ पे आए हैं, हमारा सरकार से एक ही अनुरोध है कि हमारे जो श्री श्री 108 महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज है उनको सुरक्षा दी जाए, जेड प्लस की सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि आज उनकी लोगों के जो बयान है ISIS के जो लोग पकड़े जा रहे हैं और उनके जो प्लान है कि वो उनकी हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म की एक प्रखर आवाज है, बुलंद आवाज है, वो निर्भीक निडर होकर सत्य बोलते हैं, तो उनकी उस आवाज को जो दबाने की कोशिश की जा रही है इससे हम संत लोगों में क्रोध और भय भी है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे स्वामी जी को, जो हमारे धर्म की एक प्रखर आवाज है, उनको जेड सिक्योरिटी दी जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। हम उनके साथ कमलेश तिवारी जैसा होता हुआ नहीं देख सकते, यह हमारे लिए अत्यंत दुखद होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।